दोस्तों यूएसए ने इंडियन ऑफिसर जिनका नाम निखिल गुप्ता है उनको अरेस्ट कर लिया है और इंडिया पे चार्जेस लगाया है कि इंडिया मर्डर प्लॉट कर रहा था खालिस्तानी सेपरेटिस्ट पन्नू के अगेंस्ट, वो भी अमेरिकन धरती पर। तो यूएसए ने ऑफिशियली ये क्लेम किया है कि निखिल गुप्ता एक इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर से मिलते हैं यूएसए में। हालांकि इन इंटेलिजेंस ऑफिसर का नाम नहीं बताया यूएसए ने, सिर्फ CC1 कहकर कोट किया है। फिर निखिल गुप्ता एक हिटमैन को हायर करते हैं जो कि पन्नू को किल करेगा, पर इस प्लान की जानकारी यूएस की इंटेलिजेंस को हो जाती है और यूएस की इंटेलिजेंस एक हिटमैन को भेजती है निखिल गुप्ता के पास। बट ये हिटमैन जो निखिल गुप्ता हायर करते हैं वो असल में यूएस का इंटेलिजेंस एजेंट निकलता है, जिसके बाद निखिल गुप्ता को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ये पूरा वर्जन जो है वो यूएसए का है, जिसपे इंडिया ने कहा है कि ठीक है आप सब एविडेंसेस प्रोवाइड करिए और फिर रिक्वायर्ड एक्शन लिया जाएगा। साथ में इंडिया ने एक पैनल भी क्रिएट किया है जो ये सारे इंसिडेंट्स को प्रॉपरली मॉनिटर करेगा। देखिए बहुत से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन सब इंसिडेंट्स के बावजूद यूएस और इंडिया के रिलेशंस पे कुछ खास नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूएसए को इंडिया की पार्टनरशिप की रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू काउंटर चाइना।